हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए जिन बच्चों ने अपनी फाइल लॉन्च की हुई है उनके रिजल्ट कब तक आ सकते हैं, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, कितने समय में बच्चों के रिजल्ट आ रहे हैं, जिन बच्चों ने मेन टेक के लिए अप्लाई किया है क्या उनको डेफरमेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, जिन बच्चों की फाइल अप्रैल इनटेक के लिए गई है उनके लिए डेफरमेंट का जो सीन है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन बच्चों ने अपनी फाइल लॉन्च की हुई है। इस वीडियो में हम सभी बच्चों के क्वेश्चन लेंगे और उनका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको हमारे जो एफर्ट अच्छे लगेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है सिमी जी का। सर, मेरी बायोमेट्रिक 20 अक्टूबर को हुई थी, 2 अक्टूबर को फाइल लॉन्च हुई है जनवरी 23 इनटेक के लिए, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया, मुझे मई 23 के लिए डेफर कर दिया, कब तक रिजल्ट के चांस है? देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो अक्टूबर नवंबर से वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट की। अगर आज की प्रोसेसिंग टाइम की हम बात करते हैं तो 10 वीक का जो प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था, मगर अभी आपने मेन टेक में डेफर कर दिया है, तो आपके पास दो मंथ अभी तक और पड़े हैं कि आप आराम से अपने रिजल्ट की वेट कर सकते हैं। जितने भी बच्चे वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट की, मुझे उम्मीद है कि मई से आपको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस स्पीड से IRCC रिजल्ट दे रहा है, मैक्सिमम जो फाइल अभी जा रही है, लेटेस्ट फाइल जा रही है, उसमें 70-80% फाइल है उस पर रिजल्ट विद इन मंथ आ रहा है। उसके बाद की जो फाइल्स रह जाती हैं 10-20%, उसमें 3-4 मंथ लग रहे हैं। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए सिमी जी, उम्मीद करूंगा कि जल्दी ही आपको रिजल्ट आपका मिल जाएगा। शमशेर जी का क्वेश्चन है, फाइल लॉग इन 24 दिसंबर, मेडिकल 11 जनवरी, बायोमेट्रिक 2 जैन, व्हेन आई कैन एक्सपेक्ट माई PPR, फाइल लॉग इन फ्रॉम कैनेडा, SOWP किड्स फाइल है। देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो दिसंबर से अपनी फाइल को लॉन्च कर वेट कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग 1.5 मंथ हो चुका है, यानी कि 6-7 वीक हो चुके हैं। आपका रिजल्ट 10 वीक तक तो आप मानकर चलिए IRCC को हमें देना ही चाहिए कि 10 वीक के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा। फिर भी जो आपका स्टूडेंट ओपन वर्क परमिट विद किड्स भी आपकी फाइल के साथ है, तो एक इशू हो सकता है जो मुझे लगता है। अगर आप दोनों की प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो कोई इशू नहीं है। अगर किसी एक पर्सन की भी प्रोफाइल वीक होती है तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप ओपन वर्क परमिट प्लस किड्स का भी फाइल साथ में अटैच करें। अंजलि जी का क्वेश्चन है, सर आई हैव पास्ड माय क्लास 12th लास्ट ईयर विद PCB विद 93.6 विद CBSE बोर्ड, लेटर क्लियर माय IELTS एग्जाम विद 7 ओवरऑल बैंड्स अर्लियर इन नवंबर, आई अप्लाइड फॉर एसोसिएट ऑफ साइंस बायोलॉजी कोर्स इन लंगारा फॉर मे इनटेक, लेटर ऑन 22nd दिसंबर आई डेफर टू 2 September intake बट स्टिल डिड नॉट गेट अ। देखिए, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, वीज़ा तो आपको 101% आएगा, थोड़ा डिले हो सकता है, सितंबर के लिए आपका डेफरमेंट जा चुका है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी, बस इतना है कि रिजल्ट कब आता है उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। सर, कैनेडा के लिए 9 September को फाइल लगाई थी पर स्टिल आई एम वेटिंग, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जिन बच्चों को 10 हफ्तों यानी कि 10 वीक से ज़्यादा समय हो चुका है वो एक वेफॉर्म रेज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, वेट ही करना पड़ेगा। डिपेंड करता है, अगर आप और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते तो एक केप्स नोट आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों का फाइल पेंडिंग में था, उन्होंने केप्स नोट जब अप्लाई किए तो उनका रिजल्ट विद इन मंथ आया है, ये काफ़ी बच्चों के साथ हुआ है। तो आप अगर जो बच्चे काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं तो वो केप्स नोट अप्लाई कर सकते हैं। केप्स नोट अगर आप कैनेडा से अप्लाई करेंगे, कोई रिलेटिव या फ्रेंड आपका है, तो उनके सिर्फ $5 लगेंगे। अगर आप इंडिया से ट्राई करना चाहते हो तो $100 आपका अप्रॉक्स खर्चा आता है। अगर आप हमारे साथ भी केप्स नोट अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 9551760001 पे कॉल कर लीजिए। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो हमारी यूट्यूब की किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर आप इमीडिएट अपने क्वेश्चन का आंसर चाहते हो तो 9551760001 पे कॉल कर लीजिए। थैंक यू सो मच।